Hi guys, welcome to my channel. I am Satabdi and welcome to my yet another interesting video जो कि आज होने वाला है हैंगिंग लाइट्स के ऊपर. जो भी वॉल हैंगिंग लाइट्स है मैंने अमेजोन से परचेज किया हुआ है उसका मैं आज रिव्यू और हॉल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. रिसेंटली अमेजोन पे बहुत सारा सेल चल रहा था तभी मैंने ये वाला लाइट परचेज किया हुआ था. मैंने टोटल 3 लाइट परचेज किया हुआ है. 2 लाइट 3 पेंडेंट वाला है और एक सिंगल लाइट है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड द फर्स्ट वन इज दिस वन और ये फिटिंग करने के बाद कैसा लगेगा वो भी आप लोग देख सकते हो. और इसका जो मटेरियल है और फिनिशिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है जहाँ पे आप वॉल अटैच करना है. और इसका जो वेयर है ये ट्रांसपेरेंट है. एक्चुअली जो साइड का व्यू है साइड में जो फोटो लगा था उसमें ये वाला जो वेयर था ये ब्लैक कलर का था बट ये मुझे जो रिसीव हुआ है ये ट्रांसपेरेंट है. और ये लाइट कुछ देखने में इस टाइप का है. बहुत ही ज़्यादा पसंद था मुझे. और ये डायमंड शेप में है पेंडेंट लाइट और इसका जो प्राइस है वो है 49 रुपीज़. एंड अलोंग विद दिस प्रोडक्ट आई गॉट मोर फिटिंग्स प्रोडक्ट. ये एक फिटिंग है जिसको आपको वॉल में लगा के उसके बाद नीचे जो लाइट है उसको हैंग करना है. एंड आई लाइक दिस प्रोडक्ट वेरी मच. और इसका जो शेप है और कलर है वो दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. इसके साथ साथ इसका जो प्राइस है उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और इसका जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो पेंडेंट लाइट और इसका जो फिटिंग शेप वो बार टाइप का है और नीचे इस टाइप का आपको 3 लाइट होल्डर मिल जाएगा देख सकते हो. और इसका क्वालिटी मुझे ओके ओके लगा क्योंकि फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा शार्प एजेस है बट लगाने के बाद ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. और ये रहा इसका बार आप देख सकते हो ये रहा इसका बार और यहाँ पे तीनों लाइट फिटिंग्स हो जाएगा. बार की क्वालिटी अच्छी है. एंड दिस इज थर्ड वन और ये रहे इसके होल्डर्स लाइट्स और इसका जो डिजाइन है वो ट्राइंगल शेप में है. और ये जो होल्डर्स है इनकी क्वालिटी मुझे थोड़ा सा लो लगा अकॉर्डिंग टू प्राइस. ऐसे सिंगल वाला भी मिल रहा था. अगर आप सिंगल वाला भी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो. अगर आप सिंगल वाला परचेज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो. आई विल प्रोवाइड एवरी प्रोडक्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डू चेक इट आउट. इस हैंगिंग लाइट का प्राइस था 999 रुपीज़ बट अगर सिंगल वाला परचेज करते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगा. मे बी 300 का था वो. डाइनिंग टेबल के ऊपर ऐसा वाला जो बार वाला डिजाइन है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है इसीलिए मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर लगाने के लिए इसको परचेज किया हुआ है. एंड थर्ड वन इज ऑल्सो इन द सेम डिजाइन. जो मैंने फर्स्ट वाला दिखाया था वही सेम डिजाइन में है बट डिफरेंस इतना है कि इसमें 3 पेंडेंट है ये आप देख सकते हो. 1 और ये 2 एंड देन 3. ये मैंने बेड के साइड में बेड साइड जो टेबल रहता है उसके ऊपर लगाने के लिए परचेज किया हुआ है. और अलोंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स उन्होंने बॉल प्रोवाइड नहीं किया है. आपको सेपरेट बॉल भी परचेज करना पड़ेगा. और इसका जो फिटिंग है और अरेंजमेंट है वो सर्कुलर शेप में है ये आप देख सकते हो. स्पेशली ये वाला जो डिजाइन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था. कब से मैंने इसे कार्ट में डाल रखा था बट अभी मैंने जब चल रहा था ऑफर्स तभी परचेज किया हुआ है. इसका प्राइस मुझे शायद 1400 रुपीज़ या 1500 रुपीज़ पड़ा था
इज्जत प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी और सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हो। ये जो थार वाला लाइट था इसका भी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन परचेज इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। इफ यू एंजॉय माई वीडियोज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon for my upcoming video notifications.